वो ये बात आपसे कह रहा था कि जो भी शैतान वसाविश के जरिए जो नमाज में वसवसा डालता है उस शैतान का नाम नहीं सुनते, उसका नाम है हिंसक। लखल इतने बर्बन हिंसक, जो नमाज में वसवसा डालता है उस शैतान का नाम हिंसक वसवसा सलाम। वैसे शैतान अल्लज़ी वसवसा सलाम हिंसक बर्बन हिंसक हिंसक लखल है ग्राइम वाकलवा। तो ये शैतानों के नाम में नाम रख दिया, लेकिन वसवसों के जवाब देने का हुक्म नहीं है। वसवसों को जवाब नहीं मत दो, अगर कुत्ता भूख रहा है तो कुत्ते से बात मत करो वरना और भूखेगा। जो कुत्ते का मालिक है उसको याद करो, घर की बजाओ बंगले वाले को, वो साथ ही आपने जो भेड़िया की नस्ल का कुत्ता लंदन से मंगाया है बरसात, लिहाजा इसको आप खामोश कर दें, मैं आपके दरबार में मकान में आना चाहता हूँ। मुल्ला अली रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि जब वो सोसा आए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, ये खुदा ये आपका कुत्ता मुझे तंग कर रहा है और मुल्ला शैतान से भी पनाह मांग रहा है, जिस शैतान से जो मरदूद है रजीम माने मरदूद है गेट आउट है गेट पर बैठा हुआ है दरवाजे पर। कहीं ना शैतान कल कल बिन वाकिफ अल्लाह शराते हैं शैतान उस कुत्ते के है जो बड़े लोग पालते हैं और दरवाजे के ऊपर अंदर नहीं होता वो शैतान दरबार से खाली है मरदूद है निकाला गया है, लेकिन दूसरों को दरबार में जाते हुए देख कर घूमता है वसवसे डालता है। लिहाजा इसका क्या जवाब है कि अल्लाह ताला से पनाह मांगो और ना ही शैतान तीन मरतबा और पांच तरफ सारे और एक इलाज जाम शरीर अल्लाह जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है जाम शरीर में कि जिसको कुफ्र के जिना के बदनजरी के औरतों को देखने की कोई वसवसा आए फौरन पढ़ लो आमन तो बिल्लाह व रुसुल आमन तो बिल्लाह व रुसुल ही फइन्नहु फइन्नहा दिल कलमा यूसेबुल वसाविस में कलबिल मोमिन, ये वसाविस को खाक लगा देता है जिसमें बरकत ये चीजें की है खटमल है और उसके जितने कीड़े मकोड़े हैं आज साइंसदानों ने उसका मसाला इजाद कर लिया उसमें डाला सब लोगों ने मर पड़ी। ये शैतान की खोपड़ी पर ये आमद तो बिल्ला है और उसको नहीं का जुमला ऐसा जीडीपी की तरह चीजें को होता है कि वो बिल्कुल पानी होकर आए पर भाग जाते कहीं भी ख्याल आए आमद तो बिल्ला है और उसको नहीं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। और ये नुस्खा मरते वक्त भी आप खर्च कर दिया मरते वक्त भी शैतान कहेगा अरे अल्लाह एक है कि नहीं दो है कि नहीं है बसों से अल्लाह है या नहीं है आपको बस यही जुमला काफी है नजात के लिए आमन को मिल रहा है उसको ये मैं ईमान लाया अल्लाह को उसके रसूल को लाहादत अली जवाब ये बस ये वसा इसी शैतान शैतान की वसा उसका जवाब मत दो। मुल्ला निखारी फरमाती है कि अगर शैतान को जवाब देना जरूरी होता तो अल्लाह ताला सिखा देंगे कि शैतान जब उसके साथ डाले तो ये कहो, लेकिन फरमाया नहीं अल्लाह से पनाह मांगो शैतान से बात मत करो। हमारा कुत्ता एक बंगले में खूनखार खून पीने वाला खतरनाक कुत्ता हो आप क्या कर सकते हैं। मैंने अलीगढ़ में देखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रियासत मेट्रो का नवाब कुंवर अम्मार अली खान उसका कुत्ता खुदा बना मेरे को शेर की तरह दो कुछ इतना बड़ा इतने दिन उसका मुंह फैल जाता और भूखता था मालूम था भी अभी हम डूब जाए ऐसा डरावनी आवाज से कुत्ता था जो काफी फल था यानी लेटरिन जाना पड़ जाए आदमी घंटी बजाया मैंने कहा साहब मैं आना चाहता हूँ मैंने कहा आशीष बजाया और उसको उसके कोर को कर खासा खालिस तरह जो उस कोर में उसने कहा तो आप साहब ने वो कुत्ता को हिलाता हुआ चला गया ये अल्लाह का कुत्ता है शैतान अल्लाह ताला के पास उसके खुदूसी कोर खुदूसी इस्तला है जब आपने कहा हो लेता है शैतान रजी तो अल्लाह ताला से पनाह मांगा आपने अल्लाह ताला उसको हुक्म दे देगा खबरदार आप यहाँ आमन तो बिल्ला है उसके लिए अल्लाह मैं आप पर ईमान लाया आपके रसूल को शैतान हमारा चूहा डालता है वसवसा डालता है और उसका ईमान कबूल उसकी नजात कबूल और शैतान को अल्लाह ताला हुक्म दे देते हैं अब इस बंदे को मत सताओ है मेरे कुत्ते ये मुझे याद कर रहा है ज्यादा तुम उसके गोल होते हैं अल्लाह ताला उसको काम बता देते हैं।
اس کو جواب تو نہیں مطلب.